उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतदाता सूची को दुरुस्त करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर प्रथमेश कुमार, SDM चौरीचौरा त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, SDM बांसगांव अरुण कुमार मिश्रा, SDM गोला अरुण कुमार सिंह, SDM कैंपियरगंज मनोज तिवारी, SDM खजनी विपिन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटरों का आधार कार्ड निर्वाचन आई कार्ड एवं मोबाइल नंबर से जोड़ते हुए ऐप द्वारा लोड किया जाए। जिन क्षेत्रों में BLO कार्य करने में असमर्थ है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास मोबाइल एंड्रॉइड नहीं है, उस क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता से अपनी सुविधा अनुसार संबंधित अधिकारी कार्य करवाएं, जिससे जल्द से जल्द वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जोड़ा जा सके। मेरे ख्याल से सबसे आसान है, आप अगर लग जाओ तो आपका 30 अक्टूबर तक में 100% हो जाएगा। एक बार पूरे प्रॉब्लम को, सारी वारिता नहीं है, पहले दिन से कहा जा रहा है आधार दे दे तो बहुत अच्छी बात है। 11 तरह के और डॉक्यूमेंट है जिनका मैं आपके पास तक में प्रचार प्रसार कराया गया है। आप लोग लोकल अपने और उनको कन्विंस भी किया गया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप स्वयं कर लीजिए, NPSA के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। दो तीन दिन सर, नमस्कार सर। सर हमारे टोटल 33,16,000 जौनपुरी सही अपवाद नहीं है, न पहला जिला है। क्यों आंगनबाड़ी रोजगार निकाल दिए गए, रोजगार से निकाल दिए गए, रोजगार से तो है।